हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप यूपी टेट की तैयारी मात्र जो है कि 30 दिनों में कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है कि आपको यूपी टेट की तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटजी आपको बनानी है, कितने घंटे आपको पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इतना कंफर्म है कि अब की बार यूपी टेट पर, जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इतना कंफर्म है कि अब की बार जो है कि आप यूपी टेट पास कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि यूपी टेट की तैयारी आप मात्र 30 दिनों में कैसे करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, यूपी टेट हो गया या कोई भी पेपर हो गया, जब आप उसकी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि यह जो पेपर है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कोई भी पेपर हो गया उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी हैं और वह जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसमें कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको यह जानना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि एसएससी का कोई पेपर हो गया, उसमें मान लीजिए आपका हिस्ट्री आता है, तो अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो सबसे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि अगर हिस्ट्री आता है तो उसमें हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं। जब तक आपको यह मालूम नहीं रहेगा, मान लीजिए कि हिस्ट्री में एसएससी के पेपर में मात्र 5 क्वेश्चन आते हैं और आपने जो है कि पूरी हिस्ट्री पढ़ डाली, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आएंगे तो 5 ही क्वेश्चन। तो इसलिए फ्रेंड्स, यह जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो आपका यूपी टेट का पेपर होता है इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं और उन सब्जेक्ट में से कितने कितने प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो पहला आपका सब्जेक्ट है वह है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीएड किए होंगे या डीएलएड किए होंगे तो यह सब्जेक्ट आप जरूर पढ़े होंगे। इसमें जो है कि आपके 30 प्रश्न आते हैं बाल विकास और शिक्षण विधि से, और वह 30 नंबर का होता है। जी हाँ दोस्तों, बाल विकास शिक्षण विधि से जो है कि 30 प्रश्न आते हैं और वह 30 नंबर के होते हैं। और फ्रेंड, जो दूसरा सब्जेक्ट आपका है, दूसरा सब्जेक्ट आपका हिंदी होता है, हिंदी से आपके 30 प्रश्न आते हैं और यह जो 30 प्रश्न है यह 30 अंक के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब हर प्रश्न आपका एक अंक का होता है, तो 30 प्रश्न इससे भी आते हैं। उसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट आपका आता है वह होता है संस्कृत, या तो आप लेते हैं या अंग्रेजी लेते हैं या तो उर्दू लेते हैं, तो यह लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है और इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना होता है। इसमें से आप संस्कृत चुन सकते हैं, अंग्रेजी चुन सकते हैं या उर्दू चुन सकते हैं। तो इसमें से जो है कि 30 प्रश्न आपके आते हैं और 30 प्रश्न आपके 30 अंक के होते हैं, तो इससे भी 30 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद चौथा जो सब्जेक्ट आपका होता है वह होता है गणित का। जी हाँ दोस्तों, चौथा पेपर आपका गणित का होता है, इसमें 30 प्रश्न आपके होते हैं और 30 अंक के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी 30 प्रश्न होते हैं और 30 अंक के होते हैं। उसके बाद आपका आता है पर्यावरण अध्ययन। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपका पर्यावरण अध्ययन आता है जिसमें कि आपके 30 प्रश्न होते हैं और 30 अंक के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी 30 प्रश्न होते हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो आपका पर्यावरण का पेपर होता है इसमें आपका पॉलिटी भी होती है, उसके बाद जो है कि आपका वो नागरिक शास्त्र से भी क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं,
हैं, लेकिन पर्यावरण से ज़्यादा आते हैं, तो थोड़ा बहुत जो है कि आप पॉलिटी वगैरह भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स चलिए अब हम जानते हैं कि क्या स्ट्रेटजी आपको बनानी है, किस तरह से आपको पढ़ना है। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहली जो स्ट्रेटजी आपको बनानी है, आपको सभी सब्जेक्ट को इम्पॉर्टेंट टॉपिक ढूंढना है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी यह सब्जेक्ट हमने आपको बताया, इसमें से आपको क्या करना है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ढूंढना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा होता है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि जो आपका बाल विकास है, इसमें कोई ऐसा चैप्टर ज़रूर होता है जिससे जो है कि हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक नहीं दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे जो चैप्टर हैं या ऐसे जो टॉपिक हैं, उनको आपको ट्रिक कर लेना है, और सबसे पहले आपको उसी की तैयारी करनी है। उसी तरह से हिंदी में भी आपका होता है, कोई ऐसा उसमें चैप्टर ज़रूर होता है जिससे कि हर बार क्वेश्चन आते हैं और जो है कि वह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ऐसे जो टॉपिक हैं, सबसे पहले आपको उनको ट्रिक कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टडी टाइम। जी हाँ दोस्तों, यह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको स्टडी टाइम अपनी 10 से 12 घंटे कर देनी है। जी हाँ दोस्तों, अभी आप 3 से 4 घंटे या 5 घंटे पढ़ रहे होंगे, तो आपकी जो स्टडी टाइम हुआ 10 से 12 घंटे कर देनी है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं बचा है, मात्र जो है कि 30 दिन का समय बचा है, और 30 दिन में ही आपको तैयार करना है। तो आपको 10 से 12 घंटे डेली पढ़ना है, और 10 से 12 घंटे में भी आपको कैसे पढ़ना है चलिए आपको बताते हैं। तो जैसे देखिए, जो आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधि है, इसको आपको 2 घंटे देना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल नया होता है। जब आप BTC या DLED करते हैं या जो है कि BEd करते हैं, तब जो है कि उसमें आपको यह पढ़ने के लिए मिलता है, तो इसको आपको 2 घंटे का समय देना है। और यह पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है, तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि चीज़ों को याद करना थोड़ा कठिन होता है, तो इसलिए आपको डेली इसको 2 घंटे पढ़ना है। उसके बाद आपका जो हिंदी है, इसको आप अपने हिसाब से 1 घंटे या 1.5 घंटे डेली पढ़िए। उसके बाद जो आपकी संस्कृत है, इसको भी आप 1 घंटा दीजिए। उसके बाद आपका जो गणित है, वह अपने हिसाब से, अगर आपकी गणित मजबूत है तो आप 1 घंटे टाइम रोज दीजिए, अगर आपकी गणित मजबूत नहीं है तो 1.5 या 2 घंटे आप इस पर भी जो है कि डेली जो है कि गणित को सॉल्व करिए। उसके बाद जो आपका पर्यावरण अध्ययन है, इसको भी आप 1 या 2 घंटे का समय दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने हिसाब से, पर्यावरण अगर आपका अच्छा है तब आप 1 घंटे समय दीजिए, अगर आपका अच्छा नहीं है तब आप 2 घंटे समय इसको दे दीजिए। तो फ्रेंड्स कुल मिला के आपके जो टाइम लगेगा वो डेली 6 से 7 घंटे लग जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, डेली आपका 6 से 7 घंटे इस तरह से चला जाएगा, मतलब जिस हिसाब से हमने आपको पढ़ने के लिए बताया। उसके बाद जो आपका 3 से 4 या 5 घंटे बढ़ते हैं, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर का जो है कि क्वेश्चन पेपर आपको ज़रूर लगाना है। जब तक जो है कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं लगाएंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या क्या चीज़ें आएंगी आपके पेपर में, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको जो है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करना है, उसके बाद ही जो है कि आपको और भी चीज़ें करनी हैं। अभी आपके पास 30 दिन का समय है, तो इस 30 दिन में जो है कि आप बहुत से जो है कि 2011-12 से जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, सभी को जो है कि सॉल्व कर जाइए, और उसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी को रट जाइए। जी हाँ दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी को आप रट जाइए, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आते हैं क्वेश्चन, वही जो है कि लगभग 2-3 साल बाद रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए आपको यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपके पास टाइम बचती है तब आप प्रैक्टिस सेट करिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास टाइम बच जाती है तो जो है कि प्रैक्टिस सेट आता है, आप कोई भी बुक खरीद सकते हैं, उससे जो है कि आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए, और इससे भी आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में भी जो क्वेश्चन आते हैं वह आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है उसी के हिसाब से बनाया गया रहता है। तो इसलिए इस तरह से भी आपको तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स, इस
तरह से अगर आप तैयारी करते हैं यूपी टेट की, तो इतना कन्फर्म है आप एक महीने में यूपी टेट जरूर निकालेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।